मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास एट एंगेजिंग इंग्लिश बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर फिफ्टीन विच इज द लास्ट वुल्फ एंड इसको लिखा है मैरी टॉल माउंटेन ने नाउ दिस पर्टिकुलर पोम इज नॉट समथिंग जो आपको आप उसको पढ़ोगे इसके बहुत सारे मीनिंग डिराइव किए जा सकते हैं इट्स नॉट लाइक कि आपने उसे पढ़ा हो उसका एक ही मीनिंग है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किए गए हैं इस पोम के तो इट्स लाइक like आप एक ही चीज़ के जैसे यहाँ पे जो लास्ट वोल्फ की बात करी गई है तो वोल्फ के भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं ये पूरी पोम जो है इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू जिसमें हर एक टेंसा का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ मेरी लाइक इन अ मच बेटर वे और इसके बाद समरी भी रहेगी इसकी और देन विल प्रोसीड टू तो द क्वेश्चन आंसर्स प्लस इसमें जो वोल्फ के जितने डिपिक्शंस हो सकते हैं जितने अलग अलग तरीके से आप उसे इंटरप्रेट कर सकते हो हम उसे भी डिस्कस करेंगे ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस जो ऑडिटीज़ हैं मतलब इस पोम में कुछ ऑडिटीज हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है ये कैसे हो सकता है तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे सो नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नोइंग आर ऑथर द पोएट

उसमें बहुत ज़्यादा जो है लॉस ऑफ फैमिली का थीम होता है या लॉस ऑफ होम का थीम होता है बिकॉज शी हैज़ बीन थ्रू एवरी थिंग शी वॉज वेरी एक्टिव इन द नेटिव अमेरिकन लिटरेचर मूवमेंट सम ऑफ हर वेल नोन पोम्स इंक्लूड ना दिस इज़ नोन नॉट मोन वेल नोन पोम्स इंक्लूड गुड ग्रीज एंड इंडियन ब्लड नाउ मैरी टॉल माउंटेन शी वॉज एक्चुअली शी हैज़ सफर्ड अ लॉर्ड इन हर लाइफ इसीलिए उसी पेन के साथ वेन शी राइट सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वो किस पेन से गुजरी होंगी इसीलिए जब हम इस पोम को पढ़ेंगे तब यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड ओके नाउ इन क्लैश बिटवीन ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड नेचर द लैटर हैज फ्रीक्वेंटली लॉस्ड जो ये क्लैश है ह्यूमन सिविलाइजेशन और नेचर के बीच में एक क्लैश है उसमें नेचर जो है उसने काफ़ी लूज़ किया है लाइक वी नीड टू बिल्ड अप आर सिविलाइजेशन तो हम जो है डिफॉरस्टेशन कर देते हैं एनिमल्स एक्सटेंड होते जा रहे हैं ब्रीड्स एक्सटेंट होती जा रही हैं एंड वी आर कंफर्टेबल वाई बिकॉज वी आर

और बहुत सारे ब्रिजेस हैं या फ्लाई ओवर्स हैं हो सकता है इस एक दिन एक किसी टाइम पे यहाँ जंगल हुआ होगा यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते होंगे या यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स का घर हुआ करता होगा जिसको आपने सब काट के आज रोड्स बना दिए हैं बिल्डिंग्स इरेक्ट कर दी हैं रीड दिस पोम अबाउट अ वोल्फ द लास्ट ऑफ इट्स काइंड अब हम ये जो पोम पढ़ रहे हैं ये एक वोल्फ के बारे में है जो

एपोकलिप्स uh, एपोकलिप्स क्या होता है द कम्प्लीट फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है जो बुक ऑफ रिविलेशन में लिखा हुआ है बिब्लिकल बुक ऑफ रिविलेशन में कि जैसे बहुत बार होती है बात ट्वेंटी ट्वेंटी में पूरा पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी ट्वेंटी थर्टी में पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं इसको बोला हुआ है इसको बोलते हैं अपोकेलिप्स एपोकलिप्स का मतलब होता है पूरी दुनिया का एक साथ डिस्ट्रक्शन हो जाना सो so, इस बुक में इस पर्टिकुलर पोम ने हमने उसी चीज को दिखाया हुआ है उसी चीज के बारे में बात करी हुई है नाउ लेट्स बिगिन विद पोम फाइनली द लास्ट वोल्फ हरीड टू मी थ्रू द रूइन सिटी एंड आई हर्ड हिज बींगज डाउन द स्टीप स्मैश वैलेंस ऑफ मॉन्ट कॉमरी स्ट्रीट एंड पास द जूबी क्राउंड हाई राइजेस लेफ्ट स्टैंडिंग दियर लाइटेड एलिवेटर्स यूजलेस So, वोल्फ वो so, like लेकिन वो देख पा रही है वॉट इज हैिंग विद द वोल्फ तो उसने बोला ये जो लास्ट वोल्फ बचा हुआ है अपनी ब्रीड का वो मेरी तरफ आ रहा है थ्रू दून सिटी थ्रू द जुइंड सिटी का मतलब है जो सिटी पूरी जुइन हो चुकी है ख़त्म हो चुकी है बर्बाद हो चुकी है उस सिटी से होते हुए मैं मेरी पास मेरे पास आ रहा है एंड आई हर्ड हिज बेंग इकोज और बेंग का मतलब क्या होता है हाउलिंग अब मेरे को उसकी आवाज़ें आ रही है जो वो हाउल करते हुए आ रहा है डाउन द स्टीप स्मैश्ड वॉरेंस डाउन द स्टीप स्मैश्ड मतलब स्टीप है जो पूरे स्मैश्ड बिल्डिंग्स हैं पूरी जो बिल्डिंग्स जो पूरी तहस नहस हो है चुकी हैं उनके थ्रू वो मेरे पास आ रहा है ऑफ माउंट गॉमरी स्ट्रीट कौन सी स्ट्रीट की बात कर रहे हैं हम माउंट गॉमरी स्ट्रीट की बात कर रहे हैं जो एक बहुत फेमस स्ट्रीट है पास द रूबी क्राउंड हाई राइजेस और वो कहाँ से होते हुए आ रहा है द रूबी क्राउंड हाई राइजेस रूबी क्राउंड हाई राइजेस हाई राइजेस मतलब एक्सट्रीमली टॉल बिल्डिंग ऐसा लगता है कि जो बस एकदम आसमान को छू रही हैं उनका जो एकदम टॉप जो प्लेस होता है जो क्रेस्ट है उनका वो बिकॉज ऑफ द सनसेट इट सीम्स लाइक इट इज़ यू नो ग्लोइंग इन रेड इसीलिए इसको कहा है रूबी क्राउंड हाई राइज लेफ्ट स्टैंडिंग उन सबको छोड़ते हुए वो आगे आ रहा है दे आर लाइटेड एलिवेटर्स यूजलेस ये जो इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इनके जो एलिवेटर्स हैं इनके जो लेफ्ट्स हैं वो पूरे खुले हुए हैं वो लाइटेड हैं इसका मतलब वो शायद चल नहीं रहे हैं और उसमें लाइट जल रही है मतलब शायद रात का समय है और वो वोल्फ मेरी तरफ आ रहा है नाउ द पोम इज़ नरेटेड इन फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है कि इट्स कमिंग टूवर्ड्स मी तो ये जो पोम है पूरी फर्स्ट पर्सन में नरेटेड है बाय अ वुमन स्टार्ट्स बाय सेइंग दैट द लास्ट वल्फ हरीड टूवर्ड मी ये एक वुमन जो है वो इसको पूरा नरेट कर रही है इस पोम को जो बोल रही है एक लास्ट वल्फ जो बचा हुआ है वो मेरी तरफ आ रहा है इट डिस्क्राइब समथिंग वॉज रॉन्ग और वो डिस्क्राइब करती है कि कुछ गलत है समथिंग बैड हैड हैपन कुछ गलत हुआ है शीयर्स द हाउलिंगोज ऑफ द वोल्फ डाउन द रुइन सिटी उसको सुनाई दे रहा है उस वोल्फ की हाउलिंग एककोज उस रूइन सिटी से होते हुए इस वुमेन के पास आ रहा है शी डिस्क्राइब्स द माउंट गॉमरी स्ट्रीट विद हाई राइज बिल्डिंग्स विद द यूजलेस लाइटेड एलिवेटर्स वो बता रही है कि जो माउंट गॉमरी स्ट्रीट है वो एक तरीके से पूरा जोइन हो चुका है उसकी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके जो एलिवेटर्स हैं वो लाइटेड है मतलब उसमें लाइट जल रही है ऐसा लग रहा है कि नाइट टाइम है The last wolf which winds its way through a shattered urban landscape toward the nameless narrator is symbolic of the natural world of animals and the earth. अब यहाँ पे एक और इसका depiction क्या हो सकता है कि जो last wolf है जो एक पूरे shattered la landscape से इस woman के पास आ रहा है एक nameless narrator के पास आ रहा है वो किस चीज को symbolize कर रहा है उसके natural world को symbolize कर रहा है It's it is symbolizing the natural world of animals and the earth. इट इज़ दिस नेचुरल वर्ल्ड दैट हैज़ बिन वह लास्ट वल्फ सिर्फ हम एक वोल्फ की बात नहीं कर रहे हैं हम पूरे नेचर की बात कर रहे हैं हम उस पूरे एनिमल की बात हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जिसे पूरी तरीके से विन कर दिया गया है जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है डायरेक्टली और इनडिरेक्टली बाई ह्यूमन ग्रीड एंड स्टूपिडिटी ह्यूमन ग्रीड और स्ट्यूपिडिटी की वजह से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है तो ये जो लास्ट वोल्फ है इट इस नॉट ओनली अ वोल्फ बट मेटाफॉरिकली इट इज Telling us about the entire natural world. Next paragraph, passing the stands, uh, flicking red and green of traffic signals, baying his way eastward in the mystery of his wild, looping gait. Closer the sounds in the deadly night. Passing the flicking red and green. पासिंग द मतलब ये जो चमकते जलते बुझते जो रेड और ग्रीन सिग्नल के ट्रैफिक सिग्नल के लाइट्स हैं इनसे जो वो रेड वो जो वोल्फ है द लास्ट वोल्फ इनसे पास होते हुए आगे चला गया उसे कोई नहीं कोई सुध नहीं है उसे कोई पड़ी नहीं है दैट हीट द रेड और जस्ट मूव ड्यूरिंग द ग्रीन लाइट बेइंग वे ईस्ट वर्ड मतलब वो हाउल करते हुए की तरफ आगे आता जा रहा है। in the mystery of his wild loping gate, अपनी एक अब मतलब क्या है इज टू वॉक इन अ पर्टिकुलर वे गेट मतलब इन अ रिलैक्स वे सो वो जो है आगे बस चलता जा रहा है इन अ रिलैक्सड वे एक्सक्यूज सॉरी Excuse me. So in a very relaxed way, why he is not bothered about the traffic lights? So, move last wolf just डेडली नाइट और ये जो साउंडस हैं, जो उसके हाउलिंग के साउंड हैं, अब ये मेरे और करीब आते जा रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इन डीड

The narrator is acutely aware of the cries of anguish the animal emits. और जो हमारी जो narrator है जो हमारी जो poet है वो aware है उसको सुनाई दे रहा है उससे पता है of the pain the animal emits. जो वो howl कर रहा है वो pain जो उसके अंदर है वो उसको समझ रही है As it surveys the clutter and rubble of quiet city blocks. जब वो quiet city blocks के clutter और rubble के through जाता जा रहा है तो वो she is able to understand this.

जो वॉल्फ है वो बे कर रहा है वो हाउल कर रहा है वो वाइन कर रहा है पेन में है वो और सम हाउ द तो नरेटर नोज कि वो मुझसे मिलने आ रहा है इट विल कम टू हर अपार्टमेंट

वोल्फ बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है एंड इट हाउल्स आउट वाइल्ड ही इज रनिंग थ्रू द सिटी टूवर्ड्स द वुमन और वो बहुत जोर जोर से आवाज़ें कर रहा है पेन में है जब वो सिटी से होता हुआ वुमेन की तरफ आ रहा है दिस वुमन इज द ओनली थिंग दैट द वोल्फ हैज लेफ्ट एंड ही फील्स कम्पेल्ड टू कम बैक टू हर ये वुमेन सिर्फ वो आखिरी चीज़ है जो वोल्फ से जुड़ी हुई है और वो कम्पेल्ड फील कर रहा है फोर्स्ड फील कर रहा है कि उसको उसके पास वापस आना है एंड एक्सप्रेस हिस्स ग्रीफ और वो आगे अपना दुख बांटना चाहता है उससे द नरेटर नरेट दू दिटी नरेटर जो है पूरा किस तरीके से वो चलते हुए आ रहा है, वो नरेट कर रही है इस चीज को वोल्फ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई एक ऐसी चीज जो अब खत्म हो चुकी है एक चीज जो पहले हुआ करती थी आई हर्ड हिम स्नफल एट द डोर एंड आई वॉचड He trotted across the floor. He laid his long grey muzzle on the spare white spread and his eyes burned yellow, his small dotted eyebrows quivered. I heard him snuffle at the door. Abu jaise hi mere darwaze I heard him breathe. यू you नो know, मुझे उसकी सांसों की आवाज आ रही थी एंड आई वॉश्ड और मैं देखती रही ही ट्रॉटेड अक्रॉस द फ्लोर ही ट्रॉटेड अक्रॉस द फ्लोर मतलब ही रैन एट अ मॉडरेट पेस मतलब वो भागते हुए फ्लोर के पास आया ही लेड हिज लॉन्ग ग्रे मजल और उसके बाद उसने अब उसका जो लॉन्ग ग्रे नोज है पूरा ये जो एरिया होता है उसको कहाँ पे रखा ऑन द स्पेयर वाइट स्प्रेड मतलब जहां मैं लिटी हुई थी तो जो मैंने चादर ओढ़ी हुई थी उसमें जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्ट था वहां पे उसने अपना पूरा ये पार्ट जो मजल पार्ट होता है उसे रखा मजल क्या होता है द नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज द मजल एंड आईज बर्न येलो His eyes burned yellow. मतलब उसको बहुत ज्यादा शायद एंगर भी था एग्नी भी थी सो इट वर्निंग येलो हिज स्मॉल डॉटेड आईब्रोज क्यूवर उसकी जो स्मॉल डॉटेड आईब्रोज थी देवर मतलब वो ट्रेम्बल कर रही थी सो so, इसका मतलब क्या हुआ दो एज रीडर्स वी माइट एक्सपेक्ट दोल्फ टू सिंपली स्टॉप एट द डोर एंड स्टे थ्रेटिंग एट द नरेटर एंड साइलेंट रिब्यूग फॉर दिन ऑफ मैन काइंड तो एज रीडर्स हमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए जो वोल्फ है जिसका पूरा जनरेशन पूरा खत्म कर दिया है मैन काइंड ने जिसको बहुत ज़्यादा जिसके अंदर एंगर है जो एंग्वेश प्लस वोल्फ इज़ अ वाइल्ड एनिमल तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए दैट ही विल जस्ट सिंपली स्टॉप एट द डोर और वो बहुत थ्रेटिंगली जो है थ्रेटिंगली नरेटर uh, को देखेगा लेकिन और वो वहाँ पे साइलेंटली उसको खड़े होके जितने भी उसने सेंस किए हुए हैं उसके लिए उसको मतलब एंगर आएगा उसके अंदर इंस्टेंट ही हरीड अक्रॉस द फ्लोर एंड लेड हिज लॉन्ग ग्रे नोज ऑन द स्पेयर वाइट स्प्रेड एंड हिज आइज बॉन्ड येलो एंड हिज स्मॉल डॉटेड आईब्रोज क्यू लेकिन वो उसने ऐसा कुछ नहीं किया ही जस्ट वेंट और वो वहाँ पे जाके उसने अपना जो फेस था उसने जो मजल था उसको वाइट स्प्रेड शीट पर रख दिया बेड के ऊपर एंड उसकी आँखें येलो कलर की हो रही थी विद ऑल द एगनी विद ऑल द पेन एंड उसकी आई आए, आईब्रोज जो थी वो कवर कर रही थी वो शेक कर रही थी These lines indicate that although the wolf as a symbolic representation of nature, यहाँ पे ये यह lines क्या बता रही हैं कि wolf यहाँ हम उसको nature को symbolize कर रहा है वो wolf has every right to hate all things human his uh, you know all things human has done मतलब जो nature है उसके पास हर reason है कि वो human से hate करे क्यों क्योंकि उसने उसको इतनी बुरी तरीके से treat किया है इंक्लूडिंग द नरेटर नरेटर को भी हेट करना चाहिए हिस्स बिहेवियर इज ट्रेंजली पीस मेकिंग लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो पीस मेकिंग है वो यहाँ पे अपना एंगर शो करने नहीं आया है वो यहाँ पे जो है उसको हर्ट करने नहीं आया है द आई सर्टनली बर्न येलो जो है उसकी येलो हो रही है इसका मतलब क्या है ही लेज मतलब यू you नो know, वो एक एवेंजिंग एंजल है एवेंजिंग एंजल है मतलब वो रिवेंज में बिलीव करता है अगर उसको किसी ने हर्ट किया तो उसको हर्ट करना चाहता है लेकिन ही लेज हेड ऑन द बेड नंदलेस। लेकिन वो चुपचाप अपना सर जो है वो बेड पे रख देता है तो यहाँ पे द वल्फ इज़ लेस एन एवेंजिंग एंजल ऑफ नेचर देन अ वल्नरेबल क्रिएचर वल्फ एक वलनरेबल क्रिएचर नहीं है ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो बहुत ज़्यादा असहाय है और मतलब यू नो जस्ट लाइक अ डॉग और सामन जो कि ह्यूमन पे डिपेंडेंट है वो वल्नरेबल नहीं है लेकिन यहाँ पे जो बोला हुआ है विथ स्मॉल डॉटेड आईब्रोज दैट कोवर्स सीकिंग आउट अनादर ऑफ नेचर्स क्रिएचर्स नाउ ऑल्सो वलनरेबल एंड अलोन लेकिन यहाँ वो उसकी वलनरेबिलिटी बता रहा है यहाँ वो उसकी लोनलीनेस को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ बता रहा है कि वोल्व जो है वो वहाँ जिस तरीके से आके बैठा है उसके अंदर आज भी पीस मेकिंग है वो नहीं चाहता हार्म करना वो बहुत ज़्यादा पेन में है वो अपनी लोनलीनेस को शेयर कर रहा है

मतलब नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबलाइज कर रहा है और जिस तरीके से वो आके एकदम वल्नरेबल और लोनली तरीके से चुपचाप बैठ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि मैन कितनी भी तरीके से किसी भी तरीके से नेचर को हर्ट कर ले नेचर को एक्सप्लॉइट कर ले नेचर हमेशा उसको फगेव कर देती है और उसे नर्चर करती है आई सेड आई नो वट दे हैव डन and the last two lines of the poem is when the wolf comes to the woman who was waiting to see him jab wo aa jata hai to wo usko dekh ke kya kehti hai yes i said maine kaha ha I know what they have done मुझे पता है उन्होंने क्या कहा ये दो line जो है ये poem में सबसे important lines हैं The last lines of the poem clarifies that the narrator is well aware of the source of the wolf's sorrow suggesting she is someone who has always identified with nature and is just as appalled by what transpired in her own way as the wolf is in his. यहाँ पे लास्ट टू लाइंस जो हैं पोम की क्लैरिफाई करती है कि जो हमारी नरेचर है उसको पता है उसे पता है कि ये जो वोल्फ है इसके पेन का इसकी जो एगनी है उसके उसका सोर्स क्या है वो इतना ज्यादा पेन में क्यों है उसके सौरों का सोर्स क्या है सजेस्टिंग शीज हुज ऑलवेज आइडेंटिफाइड विद नेचर और वो ये सजेस्ट कर रहा है कि वो ऐसी कोई है जो हमेशा जो है नेचर के साथ अपने आप को अपना कनेक्शन फील कर सकती है और इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट है शी इज अपॉल्ड शी इज सरप्राइज शी इज़ लाइक टोटली अमेज्ड बाय व्हाट ट्रांसपायर्ड इन हर ओन वे एज द वुल्फ इज़ इन हिज मतलब वो वुल्फ और वो जो नरेटर हैं दे कैन फील इच अदर्स पेन उन्हें मालूम है कि नेचर के साथ क्या हुआ है मैनकाइंड ने क्या किया है एंड दैट्स व्हाई दे आर शेयरिंग ईच अदर्स पेन दिस पोम कुड बी नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ द पोम इज ओवर वी हैव अंडरस्ट द एक्सप्लेनेशन नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट दिस पोम कुड बी अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड क्रिएटर्स। अब मैंने आपको बताया था कि इस पोम के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं अलग अलग तरीके से इसको समझा जा सकता है सो so, ये जो पोम है ये किस चीज़ के बारे में अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन और उसके क्रिएटर्स के बारे में हो सकता है एक चीज इट कुड बी अ प्रिमोनिशन ऑफ अ टाइम वन दिटीज ऑफ द वर्ल्ड लाइफ एंड पीपल नो लॉन्गर अप्रिशिएट दर्ल्ड ब्यूटी एंड किल ऑफ ऑल दर्ल्ड इन दर in their fight for survival in this new doomed world. एक इंटरप्रिटेशन इसका ये भी हो सकता है कि उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जब लोगों ने अपनी सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए सर्वाइवल के लिए सारे वोल्व्स को जो था वो किल कर दिया इस नए वर्ल्ड में इस नए वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए सर्वाइव करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड की ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं किया सारे वोल्वस को किल कर दिया नेचर को ख़त्म कर दिया फ़ॉरेस्ट को काट दिया तो हम उस टाइम की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। Now the poet uses amazing imagery in describing the crumbling city and the emotion on the wolf's face. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ़ स्पीच यूज़ करी है विच इज़ इमेजरी इस इमेजरी में आपने देखा कि वो हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहा है एक रूइन सिटी के बारे में बात कर रहा है किस तरीके से वो हाउल करते हुए जो वोल्फ है वो आगे बढ़ रहा है उसके फेस पे एक्सप्रेशनस क्या हैं उसकी आइज़ के बारे में उसके क्विवरिंग आईब्रोज के बारे में जो बात करी है यहाँ पे वो ये सारी जो इमेजरी यूज़ कर रहा है वो एक तरीके से हमको उस इमोशन को बताना चाहता है जो वोल्फ फील कर रहा है द पोम टेल्स हाउ ह्यूमन्स हैव डिस्ट्रॉयड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अर्थ पोम हमें बताती है किस तरीके से ह्यूमन्स ने नेचुरल ब्यूटी जो है अर्थ की वो पूरी फिनिश कर दी है द नरेटर एंड द वुल्फ नो दिस एंड शेयर दिस पेन विद ईच अदर नरेटर और वुल्फ दोनों इस चीज को जानते हैं और वो अपना पेन एक दूसरे से बांट रहे हैं दे विश फॉर थिंग्स टू गेट बैक टू हाउ इट वॉज और शायद वो एक तरीके से विश कर रहे हैं कि जैसे पहले चीज़ें थी काश वो वापस वैसी ही हो जाए अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है ये जो वोल्फ है इस पोम में ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है इट कैन बी अ स्पिरिट हो सकता है एवरीथिंग इज ओवर बट इट इज़ अ स्पिरिट दैट इज स्टिल कमिंग बैक टू द मैन काइंड द फॉरेस्ट दैट वंस स्टूड हो सकता है जब हम बोल रहे हैं कि जो वोल्फ है वो नेचर को डिपिक्ट कर रहा है नेचर को रिप्रजेंट कर रहा है नेचर कैन बी द फॉरेस्ट एज वेल द पीपल इन द टाइम हु वॉन्ट द वल्ड टू रिटर्न टू हाउ इट वॉज ये जो वोल्फ है ये उन लोगों को भी रिप्रेजेंट कर सकता है जो नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे और जिन्हें लगता है कि वापस नेचर को वैसा हो जाना चाहिए था जैसा वो एक टाइम पर हुआ करता था ऑल्सो इट कैन बी अर डिज़ायर टू बी वॉट टू वंस वॉज ये एक ऐसी डिजायर भी हो सकती है वोल्फ एक डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि काश चीज़ें वापस वैसी हो जाए ओके ऑल्सो यहाँ कुछ ऑडिटीज हैं वोल्फ यहाँ पे स्पोमिक ऑडिटी है आपने कभी वोल्फ को देखा है कि वो एक सिटी में वॉक कर रहा है या वो किसी मतलब ह्यूमन बींग के पास इस तरीके से खड़ा होगा सो so, यहाँ पे इट वॉक थ्रू अ जू इन सिटी ये एक एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकली उतनी ज़्यादा ट्रू नहीं है तो ये एक ऑडिटी है सिमिलरली इट लुक स्पेसिफिकली फॉर द नरेटर सो ऐसा सिर्फ आप फैंटसी स्टोरीज में देख सकते हो तो यहाँ पे भी एक ऑडिटी है इट्स इज़ एजेंट सीन बाय एनी वन एल्स और पूरी जगह पे वोल्स को कोई नहीं देख पा रहा है अपार्ट फ्रॉम द नरेटर इट इज एंड डिस्ट्रैक्टेड बाई द बिल्डिंग्स और इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटी अब वो चलता जा रहा है जू इन सिटी से उसे मतलब नहीं है हाई राइज बिल्डिंग्स से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रैफिक सिग्नल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर जितने भी मॉडर्न ह्यूमैनिटी में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं ही इज़ नॉट बॉर्डर्ड और ही इज़ नॉट एट ऑल डिस्ट्रैक्टेड बाई एनी थ ही इज जस्ट गोइंग लाइक स्ट्रेट टू मीट द नरेटव अब ये सारी जो है इस पोम की ऑडिटीज हैं आप आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि का टोन क्या है या इसमें क्या ऑडिटीज हैं या फिर आपसे यह क्वेश्चन भी कहा जा सकता है कि इसमें जो वोल्फ है वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट हम देख लेते हैं इसका टोन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है द वे द पोम इज रिटर्न ऑल्सो एड्स टू द मीनिंग्स ऑफ द पोम इसकी टोन कैसी है एक तो जिस तरीके से बताया जा रहा है बहुत क्रीपी सी फीलिंग आ रही है इट इज़ डार्क एंड सॉम्बर सिंपल वर्ड्स यूज किए गए हैं एंड फील्स लाइक लेस लाइक अ पोम एंड मोर लाइक अ स्टोरी सो so, यहाँ पे इसकी जो टोन है पहली चीज बहुत डार्क है ये प्लस बहुत क्रीपी फीलिंग दे रही है क्योंकि जैसे जू इंड सिटी की बात हो रही है और वुल्फ की बात हो रही है एक नरेटर है जो कि चुपचाप बैठी हुई है एज इफ वेटिंग फॉर द वुल्फ ऑल्सो इट कैन बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेथ एज इफ शी इज वेटिंग फॉर द डेथ शी इज सिक और समथिंग सो देर कैन बी न्यूमरस इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई है ना का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है एंड दैट इज इट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम पोम हियर वी आर डन थैंक यू सो मच आई नो दिस अ बिट टफ लेकिन इफ यू विल जस्ट लुक एट द लाइन एंड द एक्सप्लेनेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट यू हैव टू रीड इट ट्वाइस एंड आई एम बिंग वेरी ऑनेस्ट इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स से ये पोम और क्लियर होगी आपको ठीक है सो स्टे ट्यून्ड विद Magnet ब्रेन्स द बेस्ट चैनल जहाँ पे आपको क्लास वन से लेके क्लास ट्वेल्थ तक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर कुछ सारा आपको जो नॉलेज है वो फ्री में मिलता है एंड सो लाइक द बेस्ट ऑफ द टीचर्स ट्रस्ट मी द टीचर्स आर रियली गुड एंड यू नो दैट वेल येस थैंक यू सो मच वंस अगेन प्लीज विजिट अवर वेबसाइट टू फाइंड ऑल दिस वीडियोज़ वेरी इजिल ऑल यू हैव टू डू इज आप होम पेज पर जाओ एंड देन सेलेक्ट द क्लास आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करो जो आपको पढ़ना है सारे आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे क्लिक ऑन द टॉपिक एंड यू विल फाइंड योर वीडियो राइट आउट देयर सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो थैंक यू सो मच टेक केयर ऑफ योर सेल्फ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टेक केयर